नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे अभिषेक बच्चन जो कि पिछले कुछ वर्षों से अपनी फिल्में तथा वेब सीरीज लगातार ओटीटी पर रिलीज कर रहे हैं और दोस्तों लगातार सफल फिल्में वो दे रहे हैं। तो दोस्तों क्या अब अभिषेक बच्चन को अपनी फिल्में आने वाली फिल्में थिएटर्स में रिलीज करनी चाहिए ताकि वो और बड़े एक्टर कहला सके? दोस्तों इसी के बारे में आज का वीडियो है। दोस्तों अभिषेक बच्चन की पहले फिल्म आई थी लूडो, और दोस्तों उस फिल्म में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को काफी सराहा गया था, पसंद किया गया था। और दोस्तों मैंने आपको बताया था हाल ही में उन्हें जो मोस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड भी फिल्म लूडो के लिए दिया गया है। तो दोस्तों लूडो फिल्म काफी बड़ी हिट रही थी। दोस्तों उसके बाद में द बिग बुल, बिग बुल भी उनकी बहुत सफल फिल्म रही थी। उसमें भी उनका एक्टिंग थी बहुत ही लाजवाब थी। और दोस्तों इस फिल्म के लिए हालांकि उनको अभी कोई अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों उनका अभिनय वास्तव में अवार्ड विनिंग था। दोस्तों वो फिल्म भी ओटीटी पर काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके बाद में दोस्तों उनकी एक वेब सीरीज थी ब्रेथ इनटू द शैडोज, उसका जो पार्ट फर्स्ट था उसे भी पूरे विश्व भर में काफी पसंद किया गया था। और अभिषेक बच्चन एक नेगेटिव किरदार में उसमें अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे थे। और दोस्तों इसके लिए भी, ब्रेथ इनटू द शैडोज के लिए भी उनको नेगेटिव रोल के लिए ओटीटी पर पुरस्कार मिल चुका है, अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा दोस्तों उनकी फिल्म आई थी बॉब विश्वास, वो भी बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी जिसमें वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के रोल में थे और काफी प्रभावशाली उन्होंने अभिनय किया था। उनका लुक भी काफी अलग था और दोस्तों वो फिल्म भी काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके बाद में दोस्तों हाल ही में रिलीज फिल्म दसवीं, दसवीं ने भी ओटीटी पर काफी तहलका मचाया। करीब 4 हफ्तों तक ये फिल्म वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करती रही टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, काफी अच्छे वॉचअवर्स फिल्म को हासिल हुए और ये फिल्म भी काफी बड़ी हिट साबित हुई है। और अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की भी काफी प्रशंसा हुई है। तो दोस्तों अभिषेक बच्चन ने अपनी एक्टिंग का तो लोहा मनवा लिया है। अभिषेक बच्चन ने लगातार 5 हिट देकर के ये तो साबित कर दिया कि वे आज की तारीख में ओटीटी के सुपरस्टार है, ओटीटी के नंबर 1 स्टार है, इसमें तो कोई भी शक किसी को नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या अभिषेक बच्चन जैसे टैलेंटेड अभिनेता, इतने लाजवाब अभिनेता, इतने अच्छे अभिनेता क्या केवल ओटीटी के स्टार बन के ही रह जाएंगे? क्या उनको थिएटर्स में नहीं आना चाहिए? क्या उनको थिएटर्स में अपनी धूम नहीं मचानी चाहिए? दोस्तों मेरे हिसाब से तो उनको अब आने वाली फिल्में थिएटर्स में ही रिलीज करनी चाहिए। दोस्तों अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्म है SSS 7, हालांकि ये टाइटल फाइनल नहीं है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी अभिषेक बच्चन ही है और ये एक सिंगल कैरेक्टर मूवी है और इसमें अभिषेक बच्चन का बहुत ही जबरदस्त रोल देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस फिल्म को वो थिएटर्स में रिलीज कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों आर बाल्की के साथ उनकी आने वाली फिल्म घूमर, वो भी एक जबरदस्त फिल्म होने वाली है। उस फिल्म को भी मेरे को लगता है कि थिएटर्स में ही रिलीज करना चाहिए। और दोस्तों इन फिल्मों के अलावा अभिषेक बच्चन की जो वेब सीरीज है ब्रेथ इनटू द शैडो, जिसका सेकंड पार्ट आने वाला है, उसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और कभी भी इसकी रिलीज डेट अनाउंस की जा सकती है। अमेजन प्राइम वीडियो पर यह सीरीज आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों ये तो ओटीटी कंटेंट है तो ओटीटी पर ही आएगा। तो दोस्तों अभिषेक बच्चन की ये 2 फिल्में फिलहाल है जो हमें थिएटर्स में देखने को मिल सकती है, हालांकि फाइनल डिसीजन तो अभिषेक बच्चन ही लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी अभिषेक बच्चन की एक फिल्म और आ सकती है जिसमें, जिसे ओम राउत डायरेक्ट कर सकते हैं, जो आजकल प्रभास के साथ फिल्म आदि पुरुष बना रहे हैं और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, बहुत ही दिग्गज डायरेक्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों वो एक एक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में उनके अभिषेक बच्चन के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो दोस्तों ये एक जबरदस्त फिल्म होगी, एक्शन फिल्म होगी और ऐसी फिल्में आजकल थिएटर्स में देखी जाती है, दर्शक ऐसी जोनर की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये फिल्म तो 100% निश्चित रूप से अगर अभिषेक बच्चन करते हैं तो थिएटर्स में ही रिलीज होगी, इसमें तो कोई संदेह किसी को भी नहीं है। वहीं दोस्तों जॉन अब्राहम के साथ उनकी फिल्म अयप्पम कोसियम का जो हिंदी रिमेक बनाया जा रहा है, उसके लिए भी अभिषेक बच्चन से बात की जा रही है। अब अभिषेक बच्चन इस फिल्म में काम करते हैं या नहीं है, नहीं करते हैं इसके बारे में अभी कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर इस फिल्म में अभिषेक और जॉन एक साथ नजर आते हैं तो दोस्तों ये फिल्म भी डेफिनेटली थिएटर्स में ही रिलीज की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हाउसफुल सीरीज का जो 5th पार्ट है उसमें भी आपको अभिषेक बच्चन नजर आएंगे और वो भी एक बहुत बड़े बजट की फिल्म होगी, तो वो फिल्म भी थिएटर्स में ही आने वाली है। दोस्तों सवाल केवल इतना सा है कि SSS 7 तथा घूमर को भी क्या अभिषेक बच्चन ओटीटी पर रिलीज करेंगे या फिर थिएटर्स में रिलीज करेंगे? दोस्तों इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं तो ये चाहता हूँ और शायद अभिषेक बच्चन के प्रशंसक भी ये चाहते होंगे कि अभिषेक बच्चन ओटीटी पर काफी नाम कमा चुके हैं, काफी बड़े स्टार बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं असली परीक्षा तो बॉक्स ऑफिस पर ही होती है। जब आप फिल्म थिएटर्स में रिलीज करते हैं तो वहीं पर असली परीक्षा होती है,
क्योंकि दोस्तों ओटीटी पर क्या होता है कि मान लीजिए आपकी फिल्म को 25 करोड़ रुपए में बनाया गया है, तो दोस्तों आपको आसानी से 30 करोड़ रुपए ओटीटी से मिल जाएंगे। ओटीटी आराम से आपको 30 करोड़ रुपए उस फिल्म की दे देंगे। तो दोस्तों प्रोड्यूसर को तो फायदा हो गया ना, प्रोड्यूसर को साथ में डिजिटल राइट है, सेटेलाइट राइट्स है और ये म्यूजिक राइट्स है, उनसे पैसे मिल जाते हैं। एक्टर्स को उनकी फीस मिल जाती है। तो ओटीटी एक तरह से सेफ गेम है, सेफ जोन है, जहां पर फिल्मों के फ्लॉप होने की संभावना ना के बराबर होती है। फिल्म का दोस्तों असली पता तो जब थिएटर्स में रिलीज होती है ना, तभी चलता है। तो दोस्तों अभिषेक बच्चन को अब चाहिए कि वो अपने टैलेंट को, अपनी एक्टिंग को, अपनी फिल्मों को थिएटर्स में रिलीज करे, ताकि दर्शकों के सामने उनका एक स्टारडम सामने आ सके कि अभिषेक बच्चन अब कितने बड़े स्टार बन चुके हैं, उनकी उनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों अभिषेक बच्चन को ये रिस्क लेना ही होगा और उनको अपनी फिल्में अब थिएटर्स में रिलीज करनी ही होगी। चाहे एक दो फिल्में फ्लॉप हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों उनको अपनी फिल्में थिएटर्स में रिलीज करनी ही पड़ेगी। जिस प्रकार से आयुष्मान खुराना कर रहे हैं, कार्तिक आर्यन कर रहे हैं, राजकुमार राव कर रहे हैं, तो दोस्तों अभिषेक बच्चन इनसे तो किसी भी मामले में कम अभिनेता नहीं है, कम से कम एक्टिंग के मामले में तो इन अभिनेताओं से कमजोर नहीं है अभिषेक बच्चन। तो अभिषेक बच्चन को अपने टैलेंट पर भरोसा करके अपनी फिल्में थिएटर्स में रिलीज कर देना चाहिए, मेरा तो ऐसा ही मानना है। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।